कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमीन पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब अमीन व उनके परिवार के खिलाफ डराने और बंधक बनाने का एक और मामला अनंतपुरा पुलिस ने शुक्रवार को दर्ज किया है। पुलिस ने अमीन पठान, उनकी पत्नी रजिया पठान, भांजे कालू खान के खिलाफ डराने, धमकाने और बंधक बनाने और झूठी FIR दर्ज करवाने के लिए दबाव बनाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। कोटा जेल में बंद PCC महासचिव अमीन पठान की जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई। जेल से पुलिस भारी सुरक्षा के बीच पठान को लेकर कोटा के MBS अस्पताल पहुंची। अमीन पठान को व्हीलचेयर पर लेकर चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया। इस दौरान कोटा का MBS अस्पताल पुलिस छावनी बना रहा। दरअसल अमीन पठान का कुछ दिन पूर्व ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने उन्हें बैठकर टॉयलेट यूज करने के लिए साफ मना किया हुआ है। आपको बता दें कि कोटा के अनंतपुरा इलाके में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण, वन अधिकारियों को धमकी, गाली गलौज, मारपीट और राजकार्य में बाधा के मामले में पुलिस ने पिछले सप्ताह अमीन पठान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। दरअसल अमीन पठान लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे थे। अमीन पठान अजमेर दरगाह के पूर्व सदर रहे हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और वसुंधरा राजे के शासनकाल में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं देने से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। जिस तरह से कानून भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है, हमारे प्रदेश महामंत्री अमीन पठान को जिस तरह से 107, 151 में उठाकर 30 साल पुराने मामले खोल दिए, भाई जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो क्यों नहीं खोले? इसका मतलब है तुम देशद्रोहपूर्ण उनके ऊपर केस लगाना चाहते हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता सही नहीं करेगा। आज वो हमारे प्रदेश महामंत्री के ऊपर हुआ, कल हमारे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर होगा। कानून को ये बताना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से जांच करे और न कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी से डरेगा, न CBI से डरेगा, न पुलिस से डरेगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।